हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। हम जैसे कि देख रहे थे ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग APT, उसका ये कंटिन्यूशन में वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, दैट इज़ ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट इज़ दैट द मोशन स्टेटमेंट्स। सो मोशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो मोशन स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिफाइन द टूल मूवमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। टूल कोई भी स्पेसिफिक, कौन से स्पेसिफिक पाथ को कवर करके जो है स्पेसिफिक टास्क करेगा उसको हम बोलते हैं मोशन स्टेटमेंट्स। सो मोशन स्टेटमेंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग मोशन। सो फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट मोशन। पॉइंट टू पॉइंट मोशन में यूज टू पोजिशन द टूल एट डिजायर्ड पोजिशन। उसके लिए बेसिकली दो कमांड, मोशन कमांड यूज होते हैं, दैट इज गो टू एंड गो डेल्टा। सो गो टू, द गो टू स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स द टूल टू गो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन स्पेसिफाइड इन द डिस्क्रिप्टिव डेटा। ओके, सो यहाँ पे गो टू का क्या मतलब है? गो टू का मतलब है जैसे कि 0.270 दिया यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो क्या करेगा गो टू, मतलब गो टू से डायरेक्ट वो कौन से स्पेसिफाइड पोजीशन पे चला जाएगा, 270। देन गो टू डेल्टा, गो डेल्टा, गो डेल्टा मतलब गो डेल्टा कमांड स्पेसिफाइड एंड इंक्रीमेंटल मूविंग फॉर द टूल। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट 270 पे चला जाता है गो टू पे, और यहाँ पे क्या होता है कि 270 मतलब जैसे कि एक्स डायरेक्शन में वो सपोज कीजिए 2 पे, 230, 230 पे है, तो 230 से 270 पे जाना है, मतलब 2 का 2 रहेगा, 3 से 27 पे चला जाएगा और 0 का भी 0 पे रहेगा। ओके, सो मतलब एक्स डायरेक्शन में 2 आगे जाएगा, वाई डायरेक्शन में 7 आगे जाएगा और जेड डायरेक्शन में 0 आगे जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज कंटूरिंग मोशन। कंटूरिंग मोशन में क्या होता है? इन कंटूरिंग मोशन कमांड द टूल पोजिशन मस्ट बी कंटिन्यूसली कंट्रोल्ड थ्रू द मूव। कंटूरिंग मतलब पूरे मूवमेंट के दौरान वो जो है पोजिशन भी कंटिन्यूसली कंट्रोल थ्रू आउट द मूव। फॉर कंटूरिंग मूवमेंट्स द टूल इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द इंटरसेक्टिंग सर्फेसिज। दिस सर्फेस हैव स्पेसिफाइड नेम्स, दैट इज चार टर्म नेम है उसके बेसिकली सर्फेस के। सो ड्राइव सर्फेस, पार्ट सर्फेस, चेक सर्फेस। ओके, देन ड्राइव सर्फेस, ड्राइव सर्फेस की देखते हैं। द सर्फेस अगेंस्ट विच द एज ऑफ द टूल राइड्स, जिसके सर्फेस के ऊपर वो राइड कर रहा है जैसे कि यहाँ पे साइड में दिखा गया है, उसे हम बोलेंगे ड्राइव सर्फेस। ये वाली सर्फेस बेसिकली इसे हम कहेंगे ड्राइव सर्फेस। ओके, देन पार्ट सर्फेस, द सर्फेस ऑन विच द बॉटम ऑफ द टूल राइड्स, टूल का बॉटम जिस सर्फेस पे राइड हो रहा है उसे हम बोलते हैं पार्ट सरफेस। चेक सरफेस किसे बोलते हैं हम? द सरफेस एट विच द टूल मोशन, ये वाला सरफेस जो है इसे हम बोलेंगे चेक सरफेस। ओके, सो ड्राइव सरफेस, पार्ट सरफेस और चेक सरफेस। देन नेक्स्ट इज हाउ टू अप्रोच दिस चेक सरफेस। सो यहाँ पे दिया है कि DS मॉडिफायर सच एज टू, ऑन, पास्ट और टेन टू आर यूज टू गवर्न द पोजिशन ऑफ द टूल इन रिलेशन टू द चेक सरफेस। तो टू मतलब एग्जैक्ट टेंजेंट टू। ओके, टू ऑन पास्ट, ऑन मतलब एकदम उसके ऊपर, टू मतलब उसके ऊपर जाने के लिए, और टेन टू पास्ट मतलब के उसके ऊपर से चला जाए। और टेन टू तो मतलब आपको पता ही होगा कि टेंजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो डायरेक्ट सरफेस मतलब DS, टेन टू मतलब टेंजेंट टू, और CS मतलब क्लियर सरफेस। ओके, देन नेक्स्ट इनिशियल कंटूरिंग मोशन स्टेटमेंट। इनिशियल कंटूरिंग मोशन स्टेटमेंट जैसा कि हमने देखा, गो टू, इट टेक्स द फॉर्म गो टू ड्राइव सरफेस, टू पार्ट सरफेस, टू चेक सरफेस। मतलब गो टू पहले ड्राइव सरफेस पे जाएगा, देन पार्ट सरफेस पे, देन चेक सरफेस पे। एन एग्जाम्पल वुड बी गो टू L1, टू PL1, टू L2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन मोशन कमांड्स, मोशन कमांड्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं गो लेफ्ट, ये किसके लिए यूज़ होता है? गो लेफ्ट, देन गो मूव राइट अलोंग द ड्राइव सरफेस, देन गो अप, गो डाउन, गो फॉरवर्ड, देन गो बैक। ये बहुत ही ईजी कमांड है, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए,
अप जाने के लिए, डाउन, फॉरवर्ड एंड बैक जाने के लिए ये यूज़ होते हैं। देन पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट MACHIN, तो यूज टू स्पेसिफाई द मशीन टूल, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देख रहे होंगे कि मशीन स्लैश ड्रिल 3। ओके, सो मशीन के लिए कौन सा मशीन प्रोसेस यूज़ हो रहा है उसके लिए MSHIN यूज़ होता है। देन कूलेंट, कूलेंट फ्लूड टू टर्न ऑन और ऑफ कूलेंट ऑन, कूलेंट स्लैश ऑन, तो कूलेंट यूज़ होता है उसके लिए COOLNT। फेड रेट मतलब फीड रेट देने के लिए यूज़ होता है, जैसे 4.5 इंच पर मिनट है तो फेड रेट स्लैश 4.5 लिखेंगे हम। देन स्पिंडल, स्पिंडल रोटेशन के लिए SPLND, फिर उसका स्पिंडल रोटेशन का वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे इन रिवॉल्यूशन पर मिनट। देन नेक्स्ट द लास्ट वन इज ऑक्सिलरी स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट्स कंप्लीट द APT प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। APT प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड कौन करता है, दैट इज ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। सो इसमें कैसा कि कटर स्लैश 0.25, तो स्पेसिफाइज द क्वार्टर इंच कटर डायामीटर। देन FINI एंड ऑफ द प्रोग्राम, फिनिश के लिए FINI और टूल टॉलरेंस के लिए INTOL.0015। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।